हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। था कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ये जो एपिसोड है हम लोग शुरू करें, इससे पहले मैं तुम लोग के साथ एक बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं तुम लोग के साथ ये बात करूँ, लेकिन मैं भूल जाता था, और आज फाइनली मेरे को याद है तो मैं सोचता हूँ भाई कर ही लेते। तो आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मतलब नोटिस किया होगा कि मैं अपने एपिसोड्स में, ओ भाई ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कैसे हो गया। गाइस, ऐसी कोई चीज़ होती है क्या, मेरे को कमेंट करके बताओ, ऐसा ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ। एंड आई नो कि ये थोड़ा सा नूब जैसा लगता है, बट देखो गाइस, मैं चाहूँ ना तो इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो, बिकॉज तुम लोगों को पता है यूट्यूब पे कितनी वीडियोस है, डोडो डेक्स भी है भाई, और यूट्यूब पे इतनी वीडियो है कि मतलब मैं पूरा गेम समझ सकता हूँ कि इसमें होता क्या, आगे क्या क्या फेस करने वाले, सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। तो देखो, तुम में से ऐसा कोई सोचता, देखो मेरे को लगता नहीं, मैं दिल से बता सकता, मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई ऐसा सोचता होगा, लेकिन हाँ अगर कोई सोचता है कि भाई तुम इतना नूब जैसा एक्ट क्यों करता है, या फिर तू इन्फॉर्मेशन ले ले, तू समझ ले गेम को फिर खेलना, इतना क्यों एक्ट करता है, तो देखो मैं सच में बताता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके बारे में सब समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस गेम को मतलब यूट्यूब से कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता मैं इस गेम को। वो क्यों मैं तुम लोग को बताता हूँ, बिकॉज यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक सर्वाइवल गेम के बारे में अगर पहले से तुम्हें सारी चीज़ें पता है तो तुम यार उस गेम को ट्राई क्यों करना चाहोगे। अगर तुम्हें पहले ही पता है कि भाई आगे क्या एक्सप्लोर होने वाला है क्या नहीं, तो तुम लोग उस चीज़ को ट्राई क्यों करना चाहोगे। अब हाँ, बहुत बंदे बोलेंगे भाई फिर पबजी क्यों खेलते हो, पबजी के 10 मैचेस में समझ जाते हैं कि क्या है। तो गाइस, पबजी एक थीम बेस्ड गेम है, जिसका एक थीम है, तुम लोगों को पता है क्या थीम है उसका, तो उसके हिसाब से वो गेम है। फिर वो हर बार खेले तो भी मज़ा आता है, बिकॉज उसमें जो एनिमीज अलग, स्ट्रैटेजी अलग, हर बार मूवमेंट्स अलग होती है, तो वो तुम लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आर्क एक एक्सप्लोर करने वाला गेम है, एक एडवेंचर का गेम है, जिसमें आगे आगे नई नई चीज़ें होती रहती है एक्सप्लोर, तो मतलब वो मैं चाहता नहीं कि स्पॉइल हो, इस वजह से जो है मैं बिल्कुल नहीं देखता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब बंदे बोलेंगे भाई फिर हम लोग कमेंट करके तो बता देते हो तो वो सब स्पॉइल होता होगा, वो क्यों पढ़ते हो। तो देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम लोग सिर्फ मेरा वीडियोस नहीं देखते हो, हम लोग एक जर्नी कर रहे हो, हम लोग इस जर्नी में साथ में। एंड भाई, अगर जर्नी मैंने तुम लोग के साथ शुरू की है तो मैं वादा करता हूँ कि जर्नी हम लोग साथ में ख़त्म करें, और तुम लोग मेरे साथ हो, इसलिए भाई यार जर्नी में जो साथ है उसकी तो सुननी पड़ेगी ना। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, एंड तुमसे सारी राय लेता हूँ, तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हें नेम वेम सब तुम्हें पूछता हूँ, बिकॉज इस जर्नी में तुम लोग भी मेरे साथ। ठीक है, तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई नो बहुत टाइम से भाषण दे रहा हूँ, बट मैं जस्ट समझाना चाहता था कुछ, आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे अभी। तो भाई अभी बात करते हैं एपिसोड की, तो मैं मेटल कलेक्ट करने गया तो तुम लोग ने देखा ही होगा, बिकॉज आज के एपिसोड में ना मेटल बहुत ज़्यादा लगने वाला है, वो इसलिए बिकॉज आज हम लोग बनाने वाले एसी। यस, हम लोग आज एसी बनाएंगे फाइनली, बिकॉज देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, हम लोग ने जब आरजी को, हमारा आरजी जो हैच किया था एग, हमने भाई उसके लिए हमें कहा और ठंड में जाना पड़ा था, और इतनी रगड़ रगड़ के मेहनत की, तब जाके वो हैच हुआ। तो अभी रेक्स बिक्स के भी एग हमें हैच करने, तो इस वजह से मैं सोचा एसीज बना लूँ मैं बहुत सारे। तो अभी तो पता नहीं कितने बनेंगे, पहले सब अनलॉक कर लेता हूँ मैं। ये क्या है? ओके, मतलब इसी से सब ये होगा ना। अच्छा, मतलब वो इम्पोर्टेंट है आउटलेट वगैरह, क्या है वो? एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता था तुम लोगों को कि मैं भी जो है वॉइस ओवर करता हूँ, तो वॉइस ओवर करते हैं जो ये मेरे बीच में आ जाता है रिकॉर्डिंग एंड साइंस वगैरह, तो बहुत बार नेम देखने में मेरे को परेशानी होती है, इस वजह से अगर मैं गलत नेम पढ़ लूँ तो मेरे को माफ़ कर देना गाइस, तुम लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट में कब मैं गलत नेम वगैरह पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये साइन आ जाता है तो मेरी भी कोई गलती नहीं है ना, तो छोटा सा दिखने लगता है, और इतना छोटा दिखता नहीं बिल्कुल, और साइन के पीछे रहेगा तो फिर तो सवाल ही नहीं, फिर जो मन में आया वो बोल देता हूँ मैं। तो अभी एक काम करता हूँ भाई, मैं जनरेटर बना लेता हूँ पहले, क्योंकि इसके बिना कुछ काम नहीं, और इसके लिए क्या चीज़, इसके लिए वुड वगैरह चाहिए ना, आई थिंक इधर वुड हो गए, हाँ ये रहे वुड। अब क्या चाहिए इसको? ओके, दो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है तो बना लेता हूँ वो भी मैं, फिर उसके बाद अपना ये आउटलेट भी रेडी हो जाएगा। चलो, इसको किया मैंने क्राफ्ट, क्योंकि आउटलेट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। अभी एक काम करता हूँ, मेरे को स्ट्रेट, हाँ ये रही स्ट्रेट वायर, बिकॉज आई थिंक आउटलेट से कनेक्शन मिल जाएगा, तो स्ट्रेट एक ही वायर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा उसको ऊपर करना है, बाकी ये वायर्स मेरे को पता नहीं किस काम की है फिलहाल, तो देखेंगे उसको भी कभी एक्सप्लोर करेंगे फुर्सत से। तो चलो अभी एक काम करता हूँ, एसी खोल लेता हूँ मैं, बिकॉज एसी ये तो ले लिया भाई मैंने इलेक्ट्रिसिटी, बट एसी अब तक खोला ही नहीं था। कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। ओके, इसके साथ रेफ्रिजरेटर भी खुल गया, बाय वन गेट वन फ्री, बट रेफ्रिजरेटर को भी और लगाएंगे, बिकॉज अभी तो फिलहाल मेरे को उसमें कुछ स्टोर नहीं करना, मीट्स वगैरह तो मेरे पास बहुत पड़े, तो अभी तो नहीं स्टोर करना कुछ मेरे को उसके लिए। ओके, ऑलमोस्ट बनने वाला है ये,
एक तो लगा दिया है मैंने काम को गाइस। यार कसम से बोलूँ तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल लग रहा है, इसके लिए अभी 15 इलेक्ट्रॉनिक वापस से बनाना पड़ रहा है। ओके फाइनली हमारा सेकंड भी बहुत ज़्यादा जुगाड़ के बाद हो गया, लेकिन और ज़्यादा बनाना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आई थिंक आगे आने वाले एपिसोड्स में या फिर जब तक मैं कोई एग हैच करूँ उससे पहले तो तुम लोग को और एसीज दिख जाएंगे। अभी फिलहाल दो लगा रहा हूँ बिकॉज टेस्ट करना है मेरे को। तो जनरेटर जो है हमारा वो यहाँ पे लगाऊंगा मैं, ऊपर तो नहीं लगेगा, ज़मीन पे रखना होगा आई थिंक। हाँ ये ज़मीन पे रहेगा, ऊपर तो नहीं लग पाएगा। एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि दीवार के अंदर से, एक सेकेंड ये टेढ़ा लग रहा है मेरे को थोड़ा, एक सेकेंड रुको। हाँ ये टेढ़ा है थोड़ा सा। हाँ ये मेरे को पता नहीं सही से कि ये दीवार के अंदर से कनेक्शन लेगा कि नहीं आउटलेट के थ्रू, पता नहीं। रुको इसको ये हिल ही नहीं रहा अभी यार भाई, क्या है सीन। ओके चलो जैसा भी भाई, कनेक्शन लग जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दीवार के थ्रू लगेगा कि नहीं पता नहीं मेरे को। इसको ऐसे लगाते हैं यहाँ पे एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा आउटलेट। हाँ ये बराबर है, आउटलेट ही चाहिए, मतलब ये वही काम का है। अबे भाई ये इसका वो मुंह इस साइड होना चाहिए यार, कनेक्शन कैसे आएगा वरना। अबे पता नहीं भाई, उसका मुंह उस साइड हो ही नहीं रहा, ये गोल गोल। तो अभी पता नहीं कनेक्शन आएगा कि नहीं, लेकिन वो उसका रिकवर करने का वाला ऑप्शन गायब हो उससे पहले मैं लगा देता हूँ, वरना वापस बनाते बैठना पड़ेगा। देखते फटाफट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे लगाता हूँ। लेट्स सी। ओके ओके ओके, ये देखो छोटी सी तार यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, दीवार के थ्रू हो चुकी है। भाई ये तो एक बग होना चाहिए एक्चुअली, ये तो बग है। दीवार के थ्रू तार कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन चलो हो तो गई भाई। ये दूसरा भी लगा था, पता नहीं दूसरी की होगी कि नहीं, हो जाएगी लेकिन। हाँ देखो हो गई। अब ये नहीं पता कि एक जनरेटर के साथ कितने, ओए हाँ एक जनरेटर के साथ कितने कनेक्ट होते हैं, बट अब तक तो दो हो गए, एटलीस्ट 4-5-6 तो और होने चाहिए, हो जाएगा फिर काम। तो चलो भाई अभी तो गैस कैन लेके जा रहा हूँ, मेरे को सही से पता नहीं बट आई थिंक गैस कैन से हो जाएगा, बिकॉज स्पार्क पाउडर वगैरह तो इलेक्ट्रिसिटी को रन नहीं कर सकती, तो आई थिंक गैस कैन हो जाएगा उससे, मे बी, सही से नहीं पता बट आई थिंक हो जाएगा। ओके टर्न ऑन का तो ऑप्शन आ गया भाई, ओह भाई स्टार्ट भी हो गया फाइनली। यार क्या सही लग रहा है, मतलब कसम से बोलता अगर इस येलो कलर की जगह पे पर्पल कलर होता ना, वाइब्रेनियम लगता है ये मटेरियल से, ये मेटल ना भाई टोटली वाइब्रेनियम लगता है। ओके 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 फाइनली गाइस हमारे एसी रेडी है। वो भाई इतनी डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए थी, मतलब लाइट वीट लगा दिए बाजू में इन लोगों ने, चलो सही है। लेकिन एसी तो वर्क कर रहे हैं हमारे, मतलब अभी काफ़ी सही है, मतलब अब हमारा रेक्स विक्स के अंडर जो भी एग आप हैच करेंगे भाई इतना दूर तो नहीं जाना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो इसको बंद कर देते। तो अभी यार एक काम करता हूँ, पहले मैं सोता हूँ जाके थोड़ा, बिकॉज ये देखो ऊपर भाई बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है अभी, ये देखो तो मतलब रात होने ही वाली ऑलमोस्ट और सब क्लियर नहीं दिखेगा, उसलिए अभी जाता हूँ थोड़ा सो के आता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। सो गाइस सुबह तो हो चुकी है, अब हम लोग जो है ओपन करने वाले हमारा बैरल, तो अभी कौन से लेवल पे आता है मेरे को नहीं पता, इसलिए डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। ओके 36 लेवल पे मिलता है वैसे बैरल, बियर बैरल। ओके अभी हम लोग इससे बियर बनाएंगे गाइस, क्योंकि वो जो है क्या उसका नाम मैं भूल गया अभी, मेगा कुछ तो है, मेगा थेरियम वगैरह, तो भाई उसको लगता है दारू। जी हाँ वो बियर पिए बिना भाई टेम नहीं होता, मेरे को नहीं लगता भाई ऐसा कोई डायनो होता है जो बियर पी के टेम हो, मतलब क्या है यार ये। चलो कोई नहीं, लेकिन अभी पहले इसको बना लेता हूँ मैं। इसके लिए भी भाई जो भी मटेरियल है वो मेरे को लेके आने दो पहले। ओके फाइनली इसको अभी क्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग, अभी इसको लगाना कहाँ पे वो देखना। और इसके लिए पता है पाइप का कनेक्शन वगैरह लगता है, मतलब इसको पाइप का ये ऑप्शन विप्शन दिया तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ओके चलो यहाँ पे भी रॉक्स है, क्योंकि अभी पाइप बनाने तो भाई पत्थर तो लेने, ओ शिट यार बेफालतू का डैमेज होता है। अभी यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि पानी यहाँ से क्लोज है, वैसे मैं चाहता ना तो फार्मिंग यहाँ पे कर सकता था, लेकिन मेरे को आज आइडिया आ रहा है कि मैं फार्मिंग यहाँ पे कर सकता था। अबे लगना यार क्या कर रहा है। ओके यहाँ पे थोड़ी सी जगह, इसका ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को ये, इसके हैंडल्स कैसे एक्चुअली। ओके ये ऐसे दिखता है, वो अंदर से इनविजिबल लग रहा था थोड़ा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा यार। मैंने पाइप भी ओपन नहीं किए शेट, मेरे को अभी इसमें से कौन से ये लगेगा पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दो तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला और ये वाला। ओके
ओके ये चार पाइप लगेंगे, अब इनमें से कितने लगेंगे पता नहीं, बट देखते हैं अभी। ये वाला आई थिंक, अब फिर कोई ये ही नहीं समझता यार, ये पाइप सब सेम ही दिखता है एक्चुअली, कुछ समझता। अच्छा ये सीधा वाला है, ये लगा दिया मैंने। अब दूसरा कौन सा क्राफ्ट करूँ, आई थिंक ये सब कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा लगता है अभी, फिर उसके हिसाब से लगाएंगे। ओके ये तो काम का नहीं, अभी मेरे को डाउन वाला चाहिए, ऐसा नीचे वाला। हाँ ये रहा ये, अब ये गया, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये रहा, ये नीचे की साइड थोड़ा सा, एंड ये थोड़ा सा, अभी भी नहीं लग रहा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कब से, 10 मिनट हो गए होंगे भाई। ओके आई थिंक अब हो जाएगा भाई, अभी भी नहीं हो रहा। अबे यार और एक बार करना पड़ेगा, आई थिंक वो नीचे वाला चाहिए। अबे ये नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। अच्छा यार ये पाइप सेम है ना, इसलिए समझता ही नहीं है। अच्छा आई थिंक अब हो जाए, हो जाए यार। ओ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, रुको अभी रुकना। हाँ ओके भाई साहब, पहले देखने तो पानी आ रहा है क्या, ओके पानी आ रहा है। तुम लोग देखो यार ये क्या डिज़ाइन बनाया मैंने भाई साहब, भाई पाइप की रंगोली खेल ली मैंने यहाँ पे, पूरा डिज़ाइन बना के रख दिया। ये ओपन में, मेरे को पहले लगता था भाई इसको ज़मीन में डालना पड़ेगा, लेकिन ये ओपन में चलता है। चलो कोई नहीं, अभी तो मतलब बैरल तो बना लिया हमने, ये बैरल, अभी इसके अंदर वो सामान लाना पड़ेगा भाई जिससे वो दारू वीरू बनती है, इसमें बियर वियर लेके आता हूँ, रुको मैं वो भी। मेरे वो बेरीज वाले बॉक्स में तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए आई थिंक मैजो बेरीज रखते हैं, मेरे को नेम आई थिंक मैजो बेरीज ही है, ये वाली बेरीज, हाँ मैजो बेरी है ये, और कुछ थैच, बिकॉज इससे पहले वो कुछ तो बनाएगा बियर का, जो सीड वगैरह जो कुछ भी होता है मेरे को नहीं पता, आई थिंक वो पहले बनाता है वो, यही है लेकिन रेसिपी शायद से। हाँ ओके सही है, तो अभी ये एक घंटे में पहले वो बनाएगा वो कुछ चीज़, उसके बाद मेरे को उसके अंदर ये पानी भी नहीं डाल के उसको बियर बनानी होगी, और फिर आई थिंक 5-6 कैन देता होगा, कितना 3 देता है या 6 देता है मेरे को नहीं पता, बट ऐसा कुछ देता है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे टीम भाई मेगा, वो मेगा थेरियम वेरियम जो भी उसका नेम है। सो चलो भाई ये तो हो गया काम अपना भाई, तो भाई अभी मैं बना रहा हूँ डार्ट, बिकॉज टेम करने के लिए डार्ट काफ़ी सही होता है, बिकॉज उससे आई थिंक टॉर्पर ज़्यादा होता है, तो वो बना रहा हूँ मैं। ये देखो ये डार्ट, इसके लिए मेरे को एमओ ये 10 बनेंगे ना, हाँ चलो फिर ठीक है, फिर तो काफ़ी बन जाएंगे यार, इसको पहले बना लेता हूँ जितने होते। ओके अब भाई अब अच्छा है भाई, अब मैं भर भर के नार्कोटिक बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पसंद है नार्कोटिक बनाना, और मेरे पास इतनी ज़्यादा मतलब वो बेरीज हो चुकी है ना, कौन सी बेरी थी वो, नैरो बेरीज कुछ तो, नार्को बेरी जो भी है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअली, और मेरे पास भर भर के पड़ी फार्मिंग में, तो अभी मैं भर भर के बनाऊंगा यार नार्कोटिक। मेरे को पता था, पता है कि मेटल बहुत लगने वाला है आज के इसमें, इसलिए मैं लेके आया, और फिर भी अब इसके बाद तो भाई और मेटल का शॉर्टेज होगा, इन एपिसोड्स के बाद जब मैं खेलूँगा तो वो मेरे को मेटल लेके आना ही पड़ेगा अभी, कुछ भी हो जाए। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना लिए हैं, एक्चुअली बोलूँ ना तो एक इसमें आई थिंक दो दो तीन तीन मिल रहे थे, क्योंकि 50 इतने कैसे बन गए वे, पता नहीं क्या सीन है। चलो ये बुलेट मिली, ये डाल देता हूँ मैं गन की। ओके अभी हमारी जो है लॉन्ग नेक राइफल जो, ओके मतलब मैं इसको स्कोप के साथ यूज़ नहीं कर सकता, ये तो सही बात नहीं है यार, स्कोप का और बुलेट का ख्याल लेना देना है इसमें भाई। चलो कोई नहीं भाई, वैसे यार एफपीवी में बहुत सही लगता है पकड़ने का। चलो भाई अब लेकिन नेक्स्ट एपिसोड से ना अब टेमिंग भी इजी हो जाएगी, आई थिंक अब मैं क्रॉसबो ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तो अलविदा क्रॉसबो, देखते ना करेंगे कि नहीं। वैसे क्या मैं इसे कलेक्ट कर सकता हूँ जो मैंने अभी मारी, वो गई किधर वैसे, अबे खा गई वो। अच्छा मेरे को लगा कि मैं ऐसे कलेक्ट कर सकता हूँ जैसे ट्रायंगल को करते, मेरे को लगा ऐसा कुछ मिल जाए। चलो कोई नहीं गाइस, आई होप आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा, तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो हो सके तो एक लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम लोग ऐसी आर की न्यू एपिसोड्स वीडियोज जो है लाते रहते हैं। एंड आज तो भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, बहुत कुछ बना लिया मैंने, और बैरल बिलर भी मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे भी ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।